दोस्तों आज आपके लाया हूँ बर्ग्लस इफेक्ट यानी एनी कार्ड एट एनी नंबर का बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस। आई होप आपको मजा आएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका लर्न मैजिक में। मेरा नाम है स्वर्ण और आज आपके लिए लेके आया हूँ द बर्ग्लस इफेक्ट यानी कि एनी कार्ड एट एनी नंबर का परफेक्ट वर्जन। ये मैजिक वर्ल्ड का बेस्ट केप्ट सीक्रेट है। इसके कई सारे वेरिएशन हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा वर्जन क्यों परफेक्ट एकान है। जो नॉर्मल एकान होती है, मैंने भी पहले करी हुई है, उसमें क्या होता है कि आप ऑडियंस से एक पत्ता मन में सोचने को बोलते हैं और दूसरी ऑडियंस से एक नंबर सोचने को बोलते हैं और फिर ऑडियंस के चोजन नंबर पे चोजन पत्ता निकलता है। लेकिन ये इम्परफेक्ट कैसे होती है? पहली चीज़ जो एकान को इम्परफेक्ट बनाती है वो होती है कि जो मैजिशियन है वो सिलेक्शन के बाद पत्तों को टच करता है। स्टेज टू जो एकान को इम्परफेक्ट बनाती है वो होता है जब आप सेलेक्टेड पत्ते या नंबर को या दोनों को फोर्स करते हैं। ये फोर्स कैसे हो सकता है? ये फोर्स हो सकता है गाइडेड सिलेक्शन से, जैसे कि पहले कलर चूज करने को बोला जाए, अगर आपके पसंद का कलर चूज हो रहा है तो उसको रखें, नहीं हो रहा है तो हटाएं। मैजिशियन चॉइसेस है। एक और तरीका होता है वो होता है स्टूजिंग। स्टूजिंग का मतलब होता है कि जो वॉलंटियर आप स्टेज में बुलाते हैं उनमें से एक वॉलंटियर आपसे मिला हुआ होता है। डिपेंडिंग ऑन जो पत्ता चूज करता है रैंडम वॉलंटियर, उसका नंबर आपका स्टूज वॉलंटियर बोलता है क्योंकि उसे डेक में उस पत्ते की पोजीशन पता होती है। मुझे इस चैलेंज से ही बाहर निकलना है। मुझे एक न्यूट्रल ऑडियंस चाहिए जो पत्ता सेलेक्ट करे बिल्कुल न्यूट्रली और मेरे पास ऐसी एक ऑडियंस है। वो ऑडियंस है मेरे फ़ोन का गूगल असिस्टेंट। चलिए दोस्तों, गूगल से एक नंबर और एक कार्ड सेलेक्ट करवाते हैं और ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ से इस वीडियो में कोई भी कट नहीं होंगे। ये एक वन सिंगल कंटिन्यूस परफॉर्मेंस रहेगा। ओके गूगल, पिक अ रैंडम कार्ड। Okay Google, pick a random number between 1 and 52. 8. तो नंबर सेलेक्ट हुआ है 8 और कार्ड सेलेक्ट हुआ है 2 ऑफ डायमंड। और यहाँ पर अब मेरे पास ऑडियंस नहीं है तो मैं उनके बिहाफ में निकाल रहा हूँ, लेकिन रियल लाइफ में ये परफॉर्मेंस ऑडियंस करेगी और इसलिए मैं इस डेक को बहुत क्लीनली किक करके पत्ते निकालूंगा। लेकिन देखते हैं कि 8वें नंबर पे अगर 2 ऑफ डायमंड आता है तो क्या हम उसे परफेक्ट एकान बोलेंगे या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है परफेक्ट एकान या बर्ग्लस इफेक्ट। लेकिन आप में से अभी भी कुछ लोगों को डाउट हो सकता है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि यार मैंने गूगल के साथ सेटिंग कर ली, उसी को अपना स्टूज ऑडियंस बना लिया, शायद मैंने उसे पहले से प्रोग्राम कर रखा है। तो चलिए इस बात को हम निगेट करते हैं कि गूगल को हमने प्रोग्राम नहीं करा हुआ है, क्योंकि हम दोबारा उसको अगर सेम कमांड दें और अगर वो सेम नंबर देता है तो हम बोलेंगे उसको हमने प्रोग्राम करा हुआ है। लेकिन अगर हम सेम कमांड दें और इस बार नंबर और पत्ता चेंज हो जाए तो इसका मतलब है कि गूगल पे कुछ भी प्रोग्रामिंग नहीं है, ये ट्रूली रैंडम नंबर है और इसको हम दोबारा आपको करके दिखाएंगे। ओके गूगल, पिक रैंडम कार्ड। King of clubs. Okay Google, pick random number between 1 and 52. 23. 23 और King of clubs. तो अगर अब 23वां पत्ता King of clubs निकला, इसका मतलब है कि ये परफेक्ट नहीं सुपर परफेक्ट एकान है। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ओके दोस्तों, आई होप यू लाइक द मैजिक ट्रिक। और इस हफ्ते का गिव अवे है फिर से एक बाइसाइकिल की डेक। उसके लिए आपको कमेंट में मुझे लिख के बताना है कि आपको ये बर्ग्लस इफेक्ट कैसा लगा। क्या आपको लगता है कि ये ऑलमोस्ट परफेक्ट बर्ग्लस इफेक्ट है? ट्यूटोरियल जो है वो मैंने अलग से यहाँ पर आई बटन पे एक वीडियो पे डाल दिया है।